subscribe. Click on the bell to turn on notifications. Click on the like button. Share. हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सूर्य प्रकाश पांडे। मैंने देखा है कुछ लोगों के पास ऐसी सी ढोलक, उनका हाथ कसाई जैसा है और वो ऐसे ढोलक बजा रहे हैं। फिर कहते हैं सर हमारे तो दर्द होता है। तो दर्द होगा ही, क्योंकि ढोलक का साइज ही सही नहीं है। फिर इस तरफ का मुंह बहुत बड़ा है, पता चला कि चांटी का मुंह बड़ा है, बेस का मुंह छोटा है, तो चांटी का साउंड सही नहीं आएगा, बेस का साउंड सही नहीं आएगा। तो ढोलक कैसी होना चाहिए मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। इसके लिए मैंने आज जो है स्पेशल ये फीता भी खरीद के मैं लाया हूँ, ठीक है। इससे मैं आपको बताऊंगा कि ढोलक का परफेक्ट साइज क्या है। सर ढोलक कैसी लेना चाहिए, कौन सी ढोलक अच्छी है, नट बोल्ट वाली ढोलक अच्छी है, रस्सी वाली ढोलक अच्छी है, या जो ये कुंडल होता है जिसमें मोटा, ऐसी ढोलक लेना चाहिए, या जिसमें एक लोहे का रहता है और धागे से वाला, वो ढोलक लेनी चाहिए। सर रस्सी वाली लेना चाहिए, नट बोल्ट की लेना चाहिए, साइज कितना होना चाहिए, चाटी कितना होना चाहिए, बायां कितना होना चाहिए इसका, लेफ्ट हैंड ये कितना होना चाहिए, इसका पेट कितना होना चाहिए, ठीक है, और इसकी ये चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। इतने सवाल पूछते हैं, तो मैंने सब लोगों को यही कमेंट्स में कहा था कि भाई थोड़ा दिन का मुझे समय दो, मैं एक वीडियो बना दूंगा। जो ढोलक की लकड़ी होती है, सबसे पहले मैं वहां से चालू करता हूं कि लकड़ी कौन सी होनी चाहिए। तो ढोलक के लिए सबसे अच्छी लकड़ी होती है शीशम की। शीशम महंगा लकड़ी है, इतना आसानी से मिलता नहीं, गवर्नमेंट ने भी उसको बैन करके रखा है, तो थोड़ा सा महंगा आता है। और जस्ट अगर शीशम की ढोलक होगी तो आपको, अगर ये समझो आप 5000 की मिल जाएगी, तो शीशम की ढोलक आपको 8000, 10000, 12000, आगे जैसा कस्टमर उसके हिसाब से आपको मिलेगी। कस्टमर देख के भी दुकान वाले उस हिसाब से उसका रेट बढ़ा देते हैं। तो अब ये जो ढोलक है, ये एक्चुअली कहना चाहिए नीम या आम की लकड़ी है। ये ढोलक आप देख के भी थोड़ा समझ सकते हैं कि ये नीम और आम है, लेकिन इस ढोलक का जो साइज है बहुत अच्छा परफेक्ट साइज है। ये 7.5 इंच की ढोलक है, और ये इस तरफ इसका, अब आप कहेंगे कि इसको कैसे पता चलेगा 7.5 इंच का है, तो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये आपको जानना बहुत जरूरी है। आप जब दुकान में जाएंगे तो आपको जानना चाहिए, नहीं तो आपको कुछ भी लपेट के वो दे देगा और आपसे वही 18000-20000 ले देगा। तो अगर ऐसे बचना है तो वीडियो को भी पूरा देखना है और पूरी जानकारी लेना है। आप ये जो इंची टेप होता है हमारा, आप इसे लास्ट यहाँ से चालू करके आप देखिए, यहाँ से आपको ये जैसे 6 इंच 7 इंच ऐसे, तो इसको आप ऐसे रखिए ढोलक के ये जो किनार है यहाँ पर, इसको ढोलक को आप यहाँ से ऐसे किनार पे आप रखिए लास्ट में, ये जैसे मैंने रखा सेंटर में रखना है, ये सेंटर में होना चाहिए तभी पता चलेगी। और ये सेंटर से आप देख रहे हैं कि ये आप देखिए 6 इंच, और ये आया आपका ये 6.5, और 6.5 के ऊपर एक सूत, 6.5 एक सूत, तो ये 6.5 और 1 सूत आगे है, मतलब 6.5 से ऊपर है ये ढोलक, ठीक है। इसी वजह से मैंने इसको 7.5 कह दिया, 6.5 से 1 सूत ऊपर। और अभी ये भी मैं बताऊंगा कि कौन सा साइज परफेक्ट है, 7.5 का सही है कि 6.5 का सही है, ऐसे लेफ्ट साइड 9 का सही है, 8.5 का सही है, 8 का सही है, क्या साइज परफेक्ट है, पर थोड़ा वीडियो आपको देखना पड़ेगा तभी मैं बताऊंगा आपको ये सारी बातें। अभी आपको मैं ढोलक का साइज बता रहा हूँ कैसे कैसे ढोलक होती है। फिर इसको आप इधर किनारे रखिए, और इसका आप देख रहे हैं कि 9 इंच का बायां है, ये बायां 9 इंच का एकदम परफेक्ट 9 इंच का बायां है। और फिर इसके बाद ये ढोलक आई हमारी, तो ये ढोलक का जो हमारा साइज है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ये ढोलक का साइज है हमारे 6.5 इंच। ये ढोलक 6.5 इंच की ढोलक है, मतलब इसका चाटी 6.5 इंच का है, और इसका बायां जो है, इसका बायां है 9 इंच 1 सूत का बायां है इसका, ठीक है। ये भी 9 इंच का, 1 सूत ज्यादा है, ये 9 इंच है। और ये जो ढोलक है हमारी, ये ढोलक आप देखिए, सबसे कड़क और बेहतरीन ढोलक आज की डेट में ये, क्योंकि इसका लेदर अभी बनाया गया है ये ढोलक अभी। तो दोस्तों लकड़ी के बारे में मैंने आपको बताया कि लकड़ी, जैसे ये लकड़ी आप देख के समझ सकते हैं कि लकड़ी महंगी लकड़ी है, क्योंकि ये पुराना है और ये 20 साल से मेरे पास है, इस ढोलक को 20 साल हो गए मेरे पास, आज भी ये वैसे शाइनिंग है इसकी और वैसी लकड़ी, कहीं कोई कीड़ा नहीं, कहीं कोई
ये नहीं, वैसे इसका वेट है तो साइज भी परफेक्ट है इसका। लेकिन एक सही साइज अगर पूछा जाए, कोई छोटे हाथ वाला व्यक्ति है, छोटी उंगलियां हैं, उसके लिए ढोलक परफेक्ट है। इसका बायां भी ये है, छोटा है थोड़ा सा, और ये गोद में भी बराबर आती है। तो अगर ऐसी ढोलक महिलाएं भी बजाएंगी तो उनको भी चलेगी। लेकिन अगर महिलाएं ऐसी ढोलक बजाएंगी जिसका मुंह बड़ा है तो ताकत ज़्यादा लेता है चमड़ा, ये तो उनके लिए अच्छी नहीं होगी। और सबसे अच्छी ढोलक होती है शीशम की ढोलक, ठीक है। अगर शीशम आप महंगा लग रहा है तो बीजा सार एक लकड़ी होती है, आप उसकी ढोलक ले सकते हैं। उसके बाद आप नीम, कटहल और सबसे बाद में आम। आम के साथ दिक्कत ये होता है कि अगर वो आम पतला है तो क्रैक हो सकता है, फट जाता है और उसमें कीड़े भी लग सकते हैं। तो एक बार अगर आप पैसा लगाएंगे तो हमेशा के लिए वो आपकी चीज़ें हो जाएंगी। ढोलक हमेशा के लिए, लंबे टाइम के लिए होती है, कोई ऐसा तो नहीं है कि हम बार बार खरीदते रहते हैं। इसलिए अच्छा चीज़ लीजिए तो बेहतर होगा। और ढोलक का जो परफेक्ट साइज होता है, ठीक है, वो होता है चांटी के तरफ 1.75 इंच का। या अगर आपका हाथ छोटा है और छोटे मुंह की ढोलक आपको पसंद है तो आप 6.5 का चांटी ले सकते हैं, जो मैंने इस ढोलक का दिखाया 6.5 का चांटी। तो 6.5 इंच का चांटी होना चाहिए, मैक्सिमम आप 1.75 इंच तक जा सकते हैं, 6.5 से 1.75 इंच तक का चांटी होना चाहिए, इसको आप याद रखिए। उसके बाद बायां, लेफ्ट हैंड का बेस के साइड का, तो बेस के साइड जो है आप देखते होंगे मेरी जितनी ढोलक है सब 9 इंच की है। ये मेरी ढोलक ये वाली 8.5 या 9.5 का ये ढोलक, लेकिन ये इसमें दिक्कत मेरे लिए होता है कि मेरा हाथ बड़ा है तो मुझे थोड़ा सा जब मैं घिस्सा लगाता हूँ बाएं को तो थोड़ा टकरा जाता है मेरा हाथ, तो मेरे लिए थोड़ा ये प्रॉब्लम है। कोई दूसरा व्यक्ति है जिसका हाथ छोटा है उसके लिए परफेक्ट ढोलक है। तो बायां आपका होना चाहिए 8.5 से 9.5 और चांटी आपकी होना चाहिए 6.5 से 1.75 इंच की। ये क्लियर हो गया। अब आप कहेंगे कि ये पेट कितना होना चाहिए ढोलक का, ये पेट होता है इन ढोलक का, तो आप ढोलक को मैं पेट जो है आप कैसे नाप सकते हैं, इस इंची टेप को आप ऐसा पकड़िए और जहाँ पर ज़्यादा मोटा है वहाँ पर इसको आप ऐसा नाप करके ऐसा देख सकते हैं कितना है। तो ये आप देख रहे होंगे कि ये 34 इंच का है। इस ढोलक का भी आप देखेंगे तो आपको वही साइज नज़र आएगा, 34 या 35 यही होता है इसका ढोलक का साइज, जो अच्छी ढोलकें होती हैं उनका। अदरवाइज देखिए अभी इसका ढोलक का साइज जो है 35 का मान के चलिए, क्योंकि रस्सी भी लगा हुआ है तो रस्सी के ऊपर भी आ रहा है तो इसलिए वो 35 का। तो अगर इसका पेट रहता है तो क्या होता है, जब हम ढोलक रख के गोद में बजाते हैं तो पेट थोड़ा सा इसका ज़्यादा होता है तो ग्रिप आती है हमें बजाने के लिए। और बाकी आप बेल्ट लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसे ये ढोलक है, अब देखिए ये ढोलक है हमारी, इस ढोलक का जो साइज है ये मैंने आपको बताया था, इस ढोलक का देखिए 6.5 से 1 सूत ये ज़्यादा है, और इधर भी जो है इसका ढोलक का बायां हमारे 9 इंच का बायां है, तो ये भी परफेक्ट साइज का ढोलक है। मतलब वही बात है कि आपका 6.5 से 1.75 के बीच में आपकी ढोलक का चांटी होना चाहिए, और इस तरफ आपका जो है 8.5 से, मतलब थोड़ा नीचे जा रहा हूँ कि कोई कम हाथ छोटा हाथ वाला भी बजा सकता है ना। हालांकि 8.5 का ढोलक बहुत अच्छा नहीं कह सकते, आप 9.25 ले सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, 9.25 पे आ जाइए, 9 पे आ जाइए और मैक्सिमम आप 1.25 जाइए, इससे ऊपर मत जाइए। और ये पेट आपका जो है, ये पेट आपका जाएगा इसका, इसका भी देखिए आप ढोलक का वही 34-35 का पेट है। तो पेट के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि आप जो ढोलक का पेट है वो 34 इंच से मैक्सिमम 36 इंच का पेट का ढोलक लीजिए, 34 से 36 इंच जो है ढोलक का पेट होना चाहिए। और अब आई बात ढोलक की चौड़ाई, ये भी बहुत मायने रखती है, नहीं तो फिर आप जैसे देखे होंगे कि म्यूजियम वगैरह में आप जाते हैं तो कुछ आदिवासी लोग ऐसे ऐसे ढोलक लेके खड़े रहते हैं, नाचते रहते हैं, तो वैसी ढोलक आप लोग लेके आ जाते हैं, तो वैसी ढोलक भी नहीं लाना है, अदरवाइज यहाँ फिर आपको हाथ में ऐसे दर्द हो जाएगा, हैं तो ग्रिप भी नहीं बनती है ये और तकलीफ भी होगी हाथ में। तो इसका ढोलक का जो है आप देखिए, यहाँ मैंने पकड़ लिया इधर और इस तरफ से ये इधर आया तो ये आ रहा है, समझिए 18 और 2, 18.5 से थोड़ा सा एक सूत कम है। और ये भी आप देखेंगे कि इसका भी साइज जो है
18 है, ये 18 है, और ये आप देखेंगे तो ये 18.5 ढोलक है। ये ढोलक है हमारी 18.5 की, ये 18.5 की ढोलक है, और ये ढोलक भी हमारी 18 की ढोलक है, ये ढोलक भी हमारी 18 की ढोलक है। ये देखिए, आप देख सकते हैं ये 18 की ढोलक है, ठीक है। तो इसकी चौड़ाई के बारे में एक बात सामने है कि इसकी चौड़ाई होना चाहिए 18 से लेके 19 के बीच में, मतलब ढोलक की जो चौड़ाई है वो होना चाहिए 18 से 19 के बीच में। तो ये तो हो गया लकड़ी के बारे में। एक लास्ट में मैं आपको बता देता हूँ, आप लिख सकते हैं अपने कॉपी में। तो दोस्तों, ढोलक की लकड़ी जो होना चाहिए शीशम की होना चाहिए या बीजासार की होना चाहिए। अगर बजट नहीं है आपका तो आम की लकड़ी, नीम की लकड़ी और कटहल की लकड़ी चलेगी, ठीक है। और इसके बाद ढोलक की चाटी, तो ढोलक की चाटी जो है आपकी 6.5 से 7.25 और बहुत खींचेंगे तो 7 होना चाहिए, इससे ज़्यादा तो जाना ही नहीं है, मतलब 6.5 और 7.25 बहुत अच्छा साइज है, ले लीजिए। और ये साइज जो है इस तरफ 9.25 से 9.25 तक आप जा सकते हैं, बाएं के साइड में 9.25 से 9.25 तक। और इसका पेट है, ये पेट जो होना चाहिए वो 34 से 36 इंच होना चाहिए, ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो ग्रिप नहीं आता है। और वो अगर नट बोल्ट वाली है तो थोड़ा चल जाएगा, कम भी रहेगा चल जाएगा, पर अगर रस्सी की ढोलक है तो 34 इंच आपका होना चाहिए। थोड़ा बहुत 19-20 आप एडजस्ट कर सकते हैं, ये भी ऐसे ही है ना। तो ये सारी ढोलक जो है आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छा ग्रिप आता है इनमें, है ना। तो इसका पेट और ये जो है आपकी 18 से 19 इंच की चौड़ाई होना चाहिए, हमारे ढोलक की ये जो चौड़ाई है 18 इंच से 19 इंच होना चाहिए। तो मैंने लकड़ी के बारे में बता दिया और ढोलक की इसके बारे में बता दिया, नट बोल्ट और हाँ, अब लोग बाकी क्वेश्चन करते हैं कि रस्सी वाली ढोलक होना चाहिए कि नट बोल्ट वाली ढोलक होना चाहिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब एक बात है, अगर आप प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं, अगर आप रिकॉर्डिंग में बजाते हैं, खास तौर से रिकॉर्डिंग में बजाते हैं, तो आपके लिए रस्सी वाली ढोलक जरूरी है, क्योंकि इसको हम प्रॉपर ट्यून कर सकते हैं। जैसे तबला में आपने देखा होगा रस्सी होती है, बद्दी होती है, उससे इसको खींच को आप थोड़ा थोड़ा से भी खिसका सकते हैं, थोड़ा हथौड़ी भी मार सकते हैं, तुरंत इसका असर होता है। लेकिन नट बोल्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, मतलब अगर आपको फाइन ट्यूनिंग की जरूरत नहीं पड़ती है तो आप ये ढोलक ले सकते हैं। अगर आपको फाइन रिकॉर्डिंग में बजाते हैं, रिकॉर्डिंग में बजाने के आप सपने हैं, तो आप रस्सी वाली ढोलक ले लीजिए। नट बोल्ट वाली ढोलक में क्या होता है कि फाइन ट्यून करने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन इसका सबसे बहुत ज़्यादा बेनिफिट ये है कि इसको आप कहीं भी चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसको इसको निकालना है निकाल लीजिए, निकाल के आप कहीं ले जाइए। Enjoy this video, comment, like and subscribe.